ना तो निकासी हेज पो जोनी खेला बिगाड़ी हेज पो हमके ना इतना सताई राजा जी ना सताई राजा जी ए हमके ना इतना सताई राजा जी ना सताई राजा जी जोनी पलंग पे अलंग दबाई राजा जी नया 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 बाटे पलंग के पलाई राजा जी जोनी। तो आप देख सकते हैं अंकित जी ने जो गाना गाया यही गाना सेम टू सेम टुनटुन यादव ने गाया है। ये ऐसा टुनटुन यादव क्यों गाए हैं? टुनटुन यादव हमारा गाना चोरी करके गए हैं प्रिंसिपल प्रेमी ने, और हमारे पास काम करते थे, उन्होंने ये गाना चुरा कर दे दिया। टुनटुन यादव को प्रिंसिपल प्रेमी जो यहाँ पर इस स्टूडियो में काम करते थे, अब वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो इनका अच्छा मैटर था, ये कहे कि बढ़िया मैटर था, बढ़िया कॉन्सेप्ट था, हिट होने वाला कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट उठा के बड़े सिंगर जातिवाद सिंगर टुनटुन यादव ने ये गाना गा दिया है। अच्छा ये बताइए कि जब ये गाना आपने टुनटुन यादव के पास आप कॉल किए थे? कॉल किए थे, उनके उनसे हम मना भी किए थे कि भैया मेरा गाना है, तो उन्होंने मना नहीं, बोला कि हम गाएंगे, हम तो हमारे पास में गाना है, हम तो गाए भी करेंगे। मतलब साफ तौर पर मंगई एकदम रंगबाजी कि ये आपका गाना हो चाहे किसी का गाना हो, हम अपने म्यूजिक बोलेंगे। भैया हमारे के दो चार महीने से गाना पड़ रहा है, सोचने के लगा नहीं तो स्टार्ट करो गाई में गाना वगैरह, तो कहो तरन की रखला से ना होला, हम लोग दो चार महीने से पड़ रहे, तो कहीं ठीक हो भैया वो काम करो, वो सबूत दिखा दे, हम सबूत दिखा दे सनी, तो कहो तरन की तू भेज, तो हम कहीं तू भेज, तो आप फिर करके म्यूजिक रख के दिले बा, तो कहत रहे अभे बाबा, और लाइफ में साफ क्लियर लोग बता के प्रिंसिपल म्यूजिक म्यूजिक दिले बा। तो ये समझ सकते, देखिए छोटे सिंगर है अंकित ओझा जी, जो बहुत ही मुश्किल से कहिए कि एक सिंगर के लिए बहुत ही कठिन होता है, चार पैसा जुटा कर वीडियो बनाना, फिर उसके बाद ट्रैक बनवाना, उसके बाद रिकॉर्डिंग करवाना, उसके बाद गाना रिलीज करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। उसके बावजूद ऐसे छोटे सिंगरों का गाना चुरा कर टुनटुन यादव जैसे स्टार, ये कहिए खेसारी लाल यादव जैसे स्टार, बड़े बड़े स्टार जब गा देते हैं तो क्या इन पे बीतता है सर, कैसा फील हो रहा है? सर फीलिंग क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वो लोग गाइए देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा अभी दीपांजलि यादव जी का भी गाना एक टुनटुन यादव ने साफ तौर पर चुरा के गा दिया, दीपांजलि यादव भी लाइव आए थे, लाइव आकर उन्होंने बहुत सारे बातें की थी कि टुनटुन यादव अपने जातिवाद के लेकर काफी ज्यादा, उनको यादव के पास भी ज्यादा उनको धमकियों का कॉल आया था, क्या आपके पास भी कभी ऐसा मतलब? हमारे पास कॉल आया था और ऐसा बोल रहे हैं कि टुनटुन यादव स्टार है, उसका गाना उतरवा दोगे, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग, धमकी भी जा रहे हैं। मतलब साफ तौर पर इंडस्ट्री में कहकर रंगबाजी किया जा रहा है कि हम गाएंगे और कॉल भी करवा रहे हैं और धमका भी रहे हैं, ऐसा ही है भैया, ऐसा ही बात सब कर एकदम। हम लोग का नाम बतने कि टुंड में तू गाना गा दिला, तोरा जानकारी ना रहे कि हमी के गाना हो, ठीक वैसे कोनो बात नहीं है, लेकिन एक एक काम बाकी जब हमी के फोन करी जाए तो तोरा ये चीज़ के एक्शन लेवे के चाहिए और समझे एक्सेप्ट करे के चाहिए तारा कि ठीक बा हमारा से गलती भइल बा, तो उन्हें से जे भी बतियावता दबाई बतियावता साफ बुझाते कि मतलब हाँ रंगदारी मतलब तू कुछ करिए नहीं कर सकत, तो छोट कलाकार तो छोट कलाकार मतलब हर कोनो वैल्यू नहीं कि तू फोन करत रह तो कम से कम ढंग से 10 वाली कॉल कर देते खाली उठत फोन और उठतो बात हां बोलो करके म्यूजिक दे ले भैया तो दे ले बने प्रिंसिपल टुनटुन यादव कहत रहे अभी बाबा अब वे लोग खुद बोलते गाना के लिए बात तो गोलू सारा झोल झाल हां गाना के लिए लिखले बा टुनटुन भैया तो गोलू नाम के लेके लिखले बा पोस्टर पे लेकर चढ़ा बा उसका मंटू सागर नाम चढ़ल बा। अच्छा ये बताइए कि इसमें कहा जातिवाद घुसा दिया जरा ब्राह्मण राजपूत भूमिया हां एक वीडियो बना के वीडियो बना के गाना डाल ले बड़ा कि टुनटुन यादव हमें कुल लोग रिलाई कर रहे हैं, हम लोग जहाँ हम जाते हैं हम किसी जो ऐसे झूठ बोलेगा आज बोलेगा रिलाई करते हैं, पंडित हो या कोई भी हो, कोई भी जात हो, अपना जात के भी बोल रहे हैं कि हम रिलाई कर दें, अब बहुत गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं, वीडियो आप देख लीजिएगा बहुत गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं, कोनो चीज के मतलब समझे के चाहिए, तो कहत रहन कि स्टार के गाना उतरवा देबो, हम कहीं उतारे कहाँ कहा था भेंट करे भी कोई नहीं है, भेंट नहीं के हो सोचने से भेंट कर की बात कही जा कि भैया हई बात बा, सबसे बड़ा चीज फोन गैला के बाद तू इज्जत ना कैल, तो समझे के चाहिए बात की भैया एगो छोट कलकार बा फोन कैलस ठीक बा कहीं में गलती नहीं कि हमारे में गलती भैया में सारा साल गलती लोग बता तू कहत रहे म्यूजिक अभी बाबा के हाँ गाना में प्रिंसिपल प्रेमी होता गीत गोलू के हटे या गीत में मंटू सागर सारा साल गलती में सब प्रूफ के साथ लोग बताते जब तू ही गलती बढ़ा और तू कहते रहे कि हमारी गाना हटे झूठ हो बोलता रहा झूठ हो बोलता रहा। तो साफ तौर पर इसमें झोल झाल है और ये कहिए कि वही टुनटुन यादव है जो 200 रुपया बर्थडे बुलाई ले लेते हैं, ये वही टुनटुन यादव जिनके बारे में बड़ाई किया जाए तो कम पड़ जाए, और छोटे सिंगरों का गाना चुराना इनका आज का नहीं, ये कहे कि शुरू से ही जब से थोड़ा बड़ा इनको पहचान मिला है थोड़ा मोड़ा सपोर्ट मिला है तब से ये एकदम रंगबाजी और रंगदारी के ये गाना तो गाते ही हैं और हकीकत में भी करना शुरू कर दिए हैं, क्या सर? यस सर ऐसा बात कर रहे हैं।
अच्छा ये बताइए कि ये गाना जिस तरह से आप पैसा जुटा के गाना गाए हैं, अगर आपका गाना इतना मेहनत से आप पैसा मतलब कैसे कैसे घर से सपोर्ट तो कितना, अगर वो पैसा लगाए होते इस जो सॉन्ग गाए हैं, अगर वो पैसा लगाए होते तो उसकी कीमत को समझते हो, खुद समझते हैं एक सिंगर कैसे गाना गाता है। शुरू से सपोर्ट उनको मिला है, शुरू सपोर्ट मिला है उनको, शुरू से सपोर्ट मिला है उनका, अभी घर से तो पैसा लगा नहीं है, इसीलिए शायद किसी का गरीब का जो पैसा लगा के गा रहा है उसका वो दुख समझते नहीं है। देखिए भाई साफ तौर पे है कि एक जो सिंगर होता है कितने दुख से कितने मुश्किल से चार पैसा जुटा के अपना सिंगिंग करता है और कितनी मुश्किलों से, इतना बढ़िया मैटर था ये कहे कि हाँ इनका हिट होने का चांसेस भी ज़्यादा था, ऐसा मैटर को अगर बड़े स्टार ही चुरा लेंगे तो छोटे सिंगर क्या करेंगे। क्या अगर पवन और खेसारी भोजपुरी के पिल्लर हैं तो क्या और कोई आने वाला पीढ़ी में नहीं बनना चाहेगा, भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, क्या चंद जातिवाद स्टारों की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री अब जानी जाएगी, जिनके गाने का कोई नॉलेज नहीं है उनके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री जानी जाएगी। बहुत सारे सवाल उठते हैं और ऑडियंस में भी सवाल उठते हैं कि आप सभी भाई का सपोर्ट कीजिए, इनका जो सॉन्ग है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए। और जो टुनटुन यादव है उनको साफ तौर पर इनको मिलना चाहिए, अगर वो अपना गलती मानते हैं तो लाइव आकर कह दे कि भैया हम उनका गाना था हमसे गलती हो गया है और ये सारा क्रेडिट अंकित जो को जाता है। और भैया आपका नाम गोल्डन, हाँ गोल्डन भाई जी का क्रेडिट है और आप इनका। अच्छा हमारा क्रेडिट का कोई बात नहीं, हम तो स्टूडियो वाले हैं, क्रेडिट जो राइटर है उनका होना चाहिए और ये सिंगर का होना चाहिए। इनका ये मतलब है जिस तरह से पवन सिंह जो गाना आया था क्योंकि इनका ही गाना था, मैंने गलती से गा दिया था, जितना गाना गाते हैं कोई गाता है तो माफी मांगते हैं, इतने बड़े स्टार है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए, अगर आप गलती से दूसरे का गाना गा देते हैं तो उस गाने को आप ये वेरीफाई कीजिए कि नहीं ये इनका क्रेडिट है, पूरा इनका क्रेडिट जाता है, इन्होंने ये गाना। अरे उस चीज पर एक्शन लीजिए कि हाँ भाई कोई भी कॉल किया है, झूठा किया हो या सही किया हो, उसके बारे में जानिए काहे ये बात उठा रहा है। हम दो तीन बार, एक बार पीछे भी इंटरव्यू बोले थे हम IBN 7 पर, उसके बाद आप शायद देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, उन वो इतना करने के बाद लाइव आते हैं, हम लोग रोज बोलते हैं, इतना सुनने और देखने के बाद भी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आप खुद गलती करके ये जानबूझकर शायद गलती किए हैं तभी आप बोल। तो टुनटुन यादव से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सर जिसका क्रेडिट है, जो उसका एकदम मालिक है ये कि जिसका ये सॉन्ग था उसको क्रेडिट दीजिए। और उनसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा छोड़िए, कोई भी छोटे कलाकार का गाना चुरा कर मत गाएं, वो अपने दम पर कोई गाना गाएं, छुट्टी ले बहुत सारे कलाकार हैं अच्छा अच्छा मैटर लेकर बैठे हैं और उनका आप गाना गा दीजिएगा तो उन पर क्या बुझता होगा, मेरा छोड़िए कि वो छोटे कलाकार का गाना ना गाएं। देखिए भाई हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसी दीपांजलि यादव जी के साथ आपने ऐसे ही किया था, उनका गाना उठा के गा दिया था जबकि वो आपके ही समाज से आपके ही वर्ग से यादव जाति से बिलोंग करती थी, फिर भी आपने इस तरह का कार्य किया था। तो आप अपने आप में टुनटुन यादव जी सुधार कीजिए क्योंकि आप बड़े स्टार का अब लेवल लग गया है, आपका भी काफी गाना मार्केट में बज रहा है जो जातिवाद से हटके है, तो अपने आप में सर सुधार कीजिए और जो क्रेडिट है इनको उनको इनका हक है, इनका हक छीनने का कोशिश ना करें। अगर आपका ये गाना है आपके पास पहले से था तो आप दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए और मेरे पास कब से है आप मेरे से आप देख लीजिए, शायद आपका पहले होगा तो हम माफी मांग लेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप प्रूफ दिखाइए, आए हम लाइव में भी आए हैं तो बोल रहे हैं कि प्रूफ दिखाइए और हम भी प्रूफ दिखाते हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए, हम भी प्रूफ दिखाएंगे। हम भी गलती का माफी मांग लेंगे अगर हमसे गलती हुआ है तो, अगर आपसे गलती है तो आप भी उस चीज को मानिए कि हाँ हमारा गलती है। और जिस तरह के कॉल इनके पास आगे से कॉल ना करें क्योंकि काफ़ी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है इनके पास कि आप तुम ऐसे क्या कह सकते हो, टुनटुन यादव गाना उतरा सकते हो, इस तरह का कॉल आ रहा है तो इस तरह का कॉल ना करें भाई के पास, इनका कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है टुनटुन यादव का मैं नहीं कहता कि उनका गलती है, पर जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। आप सब इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद।